जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के बी एंड सेकेंड सेमेस्टर के इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा एजुकेशन के थर्ड यूनिट के बारे में। दोस्तों कंप्लीट आपके थर्ड यूनिट से जो भी संभावनाएं हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाने के, उन सारे क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आपको एक नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो यूनिट तीन में आपको टोटल पढ़ना क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय बी एड सेकेंड सेमेस्टर के इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के सब्जेक्ट्स में। देखिए थर्ड यूनिट में आपको टोटल दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है कि चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स का मतलब वो कौन ऐसे बच्चे हैं, उनका कॉन्सेप्ट मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन और विशेषताएं क्या है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेशल नीड्स का मतलब स्पेशल स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, और उनकी अवधारणा, उनकी क्लासिफाइड, उनके प्रकार क्या हैं और उनको हम कैसे पहचान करेंगे। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। अब स्पेशल स्टूडेंट्स से आप समझ सकते हैं, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड, एक होता है गिफ्टेड चाइल्ड, एक होता है मंदित बालक, एक होता है ऐसे बच्चे जो फिजिकली अनफिट हैं, या ऐसे बच्चे जो मेंटली अनफिट हैं, ऐसे बच्चे जो सोशली अनफिट हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो फिट तो हैं बट वो पढ़ने में थोड़े से क्या हैं, धीरे हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कितने तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी विशेषताएँ क्या है, क्या कारण हैं, उनके प्रकार क्या हैं, और एजुकेशन को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। मेंटल डिबिलिटी, अगर डिसेबिलिटीज़ है किसी बच्चे के अंदर तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। और आपको पढ़ना है दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड द लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर मेरी तरफ से बात करें तो गिफ्टेड चाइल्ड और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में होता है, जिसको हम कहते हैं अधिगम बाध्य बालक, ठीक है। तो चलिए इस पूरे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी का स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, स्पेशल नीड्स स्टूडेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक मतलब ऐसे बालक जिनको कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत है, कुछ विशिष्ट आवश्यकता है। अब इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, और एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ देगा आपको कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर आप क्या समझते हैं। तो समझ लेते हैं। देखिए एक बात तो सही है कि इस संसार में एक समान सभी नहीं है, ठीक है। ईश्वर ने हर किसी को अलग क्षमताएं बनाई हैं, अलग योग्यता दी है, सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है। हर किसी की सोचने समझने की शक्ति अलग तथा शारीरिक शक्ति भी एक समान नहीं होती है। ये बात तो फैक्ट है भाई, यूनिवर्सल फैक्ट है। चलिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक उन्हें कहा जाता है जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। अब किस में अलग होंगे, हो सकता है बहुत प्रतिभाशाली हो, या फिर हो सकता है थोड़े कम प्रतिभाशाली हो सकता है उनका विकलांगपन हो, मतलब फिजिकली डिसेबिलिटीज़ हो, या फिर प्रतिभाशाली बालक बहुत बुद्धिमान तथा कला संगीत गणित जैसे विषयों में निपुण हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर विकलांग शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं। जो प्रतिभाशाली है वो सारे इन गुणों में क्या होंगे, प्रतिभाशाली हो जाएंगे, और जो अगर डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं वो तो क्या फिजिकली डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मंद बुद्धि, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होनी भाई नेचुरल है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार में या फिर हम ऐसे जूझे, लेकिन ये नेचुरल है। अब हमें क्या करना है, उसके साथ जीना है, उसको अपने साथ रख के, इसीलिए समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो मंद बुद्धि का मतलब वो नेचुरल तो है बट यह है थोड़ा कम सोचता है, कम समझ पाता है, धीरे सीखता है। नेत्रहीन का मतलब बच्चे प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, तकलीफ होती है देखने में। बाधिर, मुख बाधिर, थोड़ा सा लड़खड़ा के बोलना इस तरीके से, चलने फिरने में असमर्थ आदि होते हैं। तो ये सारे बच्चे क्या है भैया, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। ये सारे बच्चे क्या है भाई, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं। अब आइए कुछ परिभाषाएँ देख लें। अक्सर परिभाषा भी पूछता है कि परिभाषित करिए विशिष्ट बालकों की। तो देखिए क्रिक ने क्या कहा था कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य तथा औसत बालकों से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्था में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहते हैं। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालकों से क्या है, भिन्न है। किस मामले में, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब उनको क्या चाहिए, विद्यालय में उनको थोड़ा सा विशेष सुविधा चाहिए, संशोधन सुविधा चाहिए। वह अपनी क्षमता का विकास कर सके, ताकि उन्हें अपनी क्षमता का विकास कर सके। अगर उन्हें हम थोड़ा सा स्पेशल प्रेफरेंस दे देंगे, अब कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है तो हम उसके लिए व्हील चेयर दे देंगे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं। अगर कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है फिर भी वो अच्छा पढ़ सकता है, फिर भी वो टॉप कर सकता है। तो इसीलिए क्या चाहिए, वो अपनी क्षमता का क्या कर सके, दिखा सके, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ सके। अगर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पेशल सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से थोड़े भिन्न होते हैं सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। अगला देखिए,
हैग ने कहा था कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि में सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो, मतलब एक अच्छे मात्रा में इनफ क्वांटिटीज में क्या हो, डिफरेंस हो सामान्य बालकों से, एक गुण या कई गुणों में। तो ऐसे बालकों को क्या कहेंगे बच्चों, विशिष्ट बालक कहेंगे। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल, सबसे अच्छा पॉइंट है और एक जगह आपको मिल जाएगा, वो क्या है, विशिष्ट बालकों के प्रकार, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिख दीजिए शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, और यहाँ पे शैक्षिक लिख लीजिएगा, शैक्षिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। मतलब आप यूँ समझिए, फिजिकली स्पेशल, मेंटली स्पेशल, बाय एजुकेशन स्पेशल, और आप सोशल स्पेशल कह सकते हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अनफिट हैं, मेंटली अनफिट हैं, या फिर एजुकेशन के द्वारा अनफिट है, या सोशली अनफिट है। अब एक सवाल आप पूछोगे सर सोशली अनफिट कैसे, अब वो बच्चे जैसे मान लीजिए जो कुसामाजिक बालक, जैसे कि वो समाज से अलग रहते हैं, या फिर समाज की के लिए उनकी गलत प्रवृत्ति उनके अंतर्गत आ गई है, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, मारपीट करना, चाकू लेके घूमना, लड़ाई करना, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के। उसी तरह देखा आपने बाल अपराधी, विचलित बालक, नशे के आदि बालक, और सर्वात्मक रूप से विचलित बालक। तो ये वो बालक है जो समाज से अलग है, वो सामाजिक रूप में विशिष्ट है, ठीक है। तो उनके अंदर क्या करना है, सुधार करना है, हमें समझाना है, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताना है, उनको आगे भविष्य दिखाना है, और उनको सही रास्ते पे लाना है। तो ऐसे बालक क्या होंगे भैया, सामाजिक रूप से विभिन्न हो, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग हो, सामाजिक रूप से विशेष बालक उनको कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से दृष्टि विकलांग बालक, मतलब जिनको कम दिखाई दे, श्रवण दुर्बलक, कम सुनाई दे, गत्यात्मक अच्छा, जो चलने फिरने में, खेलने कूदने में थोड़ी सी उनको परेशानी हो, सो दे आर बिलोंग्स टू द फिजिकली स्पेशल चैलेंज स्टूडेंट, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। समझ में आ गए बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। मानसिक रूप से मतलब प्रतिभा संपन्न बालक, अब बच्चा जरूर से ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभा संपन्न है, गिफ्टेड चाइल्ड है, तो आप उसको मानसिक रूप से विशिष्ट कहेंगे, वो स्पेशल बच्चा है, ठीक है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा, जो बहुत क्रिएटिव है। अगला मानसिक मंद बालक, वो बच्चा जो औसत से नीचे है। देखिए स्पेशल का मतलब सामान्य से अलग हो, या तो नीचे हो या तो ऊपर हो, तो स्पेशल होना क्या, प्रतिभाशाली होना, क्रिएटिव होना, सृजनात्मक होना, गिफ्टेड चाइल्ड होना, ये क्या है, सामान्य से ऊपर है, और वहीं मंद बुद्धि हो जाना, ये सामान्य से नीचे है। सो मानसिक रूप में आप इन तीनों प्रकार को भी लिख सकते हैं। देखिए सारे प्रकार को एक जगह लिख देने पर आपको क्या जाएगा, आसानी हो जाएगी। शैक्षिक रूप से मतलब शैक्षिक द्वीप बालक, मतलब वो बच्चे जो क्या करते हैं, थोड़ा धीरे सीखते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी समाज की वजह से या फिर किसी एरिया के वजह से, किसी क्षेत्र की वजह से समाज शैक्षिक रूप से बच्चे पिछड़े हो जाते हैं। और सीखने में अयोग्य बालक, वो बच्चे जो बहुत धीरे सीखते हैं, मतलब कम सीखते हैं, या फिर उनके अंदर सीखने की लालसा इच्छा नहीं होती, इस प्रकार के बालक। तो दोस्तों कंप्लीट आपका, आपकी स्क्रीन पर ये जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं ना, ये विशिष्ट बालकों के प्रकार है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं, बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, समझ लेना है, और आप एग्जाम्स में हू बहू ऐसे तैयार कर दीजिए, एग्जामिनर भी कहेगा वाह क्या बच्चे ने एग्जाम में पेपर लिखा है। अब वन बाय वन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब जैसे विशिष्ट बालकों के प्रकार में आपने देखा शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपने शब्दों में लिख लेना है कि शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांगता बालक आते हैं, समायोजन एवं शिक्षा की दृष्टि से इन बालकों की विशेष व्यवस्था करनी होती है। जो शारीरिक रूप से विशिष्ट है वो क्या होगा, शारीरिक विशिष्ट बालक हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से मानसिक रूप से मतलब एक ऐसा वर्ग है भैया जहाँ पे बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, या पिछड़ा या धीमी गति से सीखने वाले मंद बुद्धि बालक आते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया मानसिक। एक और आप चाहें तो लिख सकते हैं संवेगात्मक रूप से बालक, इमोशनल, जो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, जो शर्मीले होते हैं, जो मतलब थोड़े से घबराते, तो इमोशनली आप स्पेशल भी कह सकते हैं, संवेगात्मक रूप से भी कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मानसिक रूप में भी रख सकते हैं, बट अगर आप एक और कैटेगरी ऐड करना चाहें संवेगात्मक रूप से, जो शर्मीले होते हैं या फिर बहुत डरे हुए रहते हैं हमेशा, मतलब नो घर में रहना, तो इस तरीके के बालक जो शर्मीले, मतलब शर्मीले की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके के संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। सामाजिक रूप से मतलब ऐसा बच्चा जो चोरी करना, झूठ बोलना, ड्रग्स लेना, मतलब गलत चीज़ों का अपराधी बालक, वंचित बालक, ये सारी चीज़ें सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रकार समझ में आ गई बच्चों, चलिए प्रकार समझ में आ गई, तो ऐसे कई बार पूछ लेता है, स्पेशली मैंने जो कहा था आपसे कि प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में अक्सर आपसे पूछ लेता है कि प्रतिभाशाली बालक का मतलब क्या होता है। देखिए इनकी बौद्धिक क्षमताएं सर्वोच्च श्रेणी में आती हैं, जो इनका आईक्यू लेवल होता है, जो मेंटल इनका लेवल होता है, वो क्या होता है, बेस्ट लेवल, सर्वोच्च लेवल पे आती हैं। ये कम उम्र में ही सामान्य औसत बच्चों से ये क्या करते हैं, ज़्यादा सीखने लगते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, और बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कहीं अधिक हो जाती है। ये ज्ञान प्राप्त करने में श्रेष्ठ होते हैं तथा परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, सभी को चकित कर देते हैं, ठीक है।
इनकी कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, याद करने की स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग ये और सूझबूझ बहुत अधिक होती है। इनका ध्यान विस्तार भी अधिक होता है, ज़्यादा चीज़ों को सोच पाते हैं और ध्यान को देर तक केंद्रित रख सकते हैं, बहुत समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। सो कैसे बालक विशिष्ट होते हैं भैया? जिनका आईक्यू लेवल अच्छा हो, जो अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, जो कल्पना सोच सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, जो याद रख सकते हैं चीज़ों को बहुत अधिक ढंग से, जो उनके पास लॉजिकल तर्क करने की क्षमता होती है, जिनके पास सूझबूझ बहुत होती है, जो कई समय ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ऐसे सारे बालकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? गिफ्टेड चाइल्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। कुछ अलग देखें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि 120 से अधिक आईक्यू वाले बच्चों को, बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को क्या करते हैं हम? प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। ठीक है, कुछ बालकों में 180-190 तक भी होती है। ठीक है, इस प्रकार बालक समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। बालकों की तरह बालिकाएं भी प्रतिभाशाली होती हैं डेफिनेटली। इसी प्रकार बालकों की संख्या हर एक क्लास में 10 से 15 से अधिक नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम 10-15 बालक होते हैं जो गिफ्टेड या फिर आप स्पेशली बच्चे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती मगर होती है, और जो होती है बवाल कर जाते हैं। चलिए, टर्मन ने क्या कहा था देख लेते हैं। प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के बारे में उन्होंने कहा था कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन का मतलब होता है समाज के साथ एडजस्ट कर पाना, सोशली एडजस्ट कर पाना। व्यक्तित्व के लक्षण शैक्षिक निष्पत्ति, खेल सूचनाओं और रुचियों में विविधता आदि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। टर्मन लिखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि एवं बुद्धि व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। उनकी शारीरिक विकास अच्छा होता है, बुद्धि लब्धि आईक्यू बेस्ट होता है, यही सारी चीज़ें लिखा है टर्मन जी ने। ओके, नो डाउट। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती है। सेम बात है, प्रतिभाशाली सवाल ऐसे पूछता है कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए तो ये हम उम्र के बच्चों से अधिक विकसित हो जाते हैं, जल्दी बोलना, चलना, पढ़ना शुरू कर देना, इनमें किशोरावस्था के लक्षण भी जल्दी नज़र आने लगते हैं, मतलब बचपन में ही ये बड़े जैसे सोचना, बड़े जैसे बातें करना, बड़े जैसे काम करने लग जाते हैं। इन बालकों का व्यक्तित्व और इनकी बुद्धिमंद बालकों की अपेक्षा उत्तम होती है, बहुत बेस्ट हो जाती है इनका मेंटल लेवल। ये बालक बौद्धिक कार्यक्रम में अधिक रुचि लेते हैं और खेल तमाशे में भी इनकी रुचि कम हो जाती है। जैसे जल्दी समझदार होना, मतलब ऐसे चीज़ें जहाँ पे मेंटली काम है ना, वहाँ पे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बजाय इसके कि जैसे कोई ड्रामा देखना, मदारी देखना, खेल देखना, सर्कस देखना, कार्टून देखना, इनमें इनकी रुचि कम हो जाती है। ये क्या हो जाता है, जहाँ पे मेंटली काम ज़्यादा होता है ना, जैसे लॉजिकल जहाँ पे लगता है, एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, प्रोजेक्ट करना, यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे दिमाग इनका ज़्यादा चलने लगता है। वहीं देखें कुछ और विशेषताओं के बारे में, तो इनकी आईक्यू अधिक होती है, इनका एक्यू अधिक, ज्ञान लब्धि का मतलब ज्ञान हासिल करने की क्षमता। ठीक है, इनकी शिक्षा लब्धि, शिक्षा एक्यू अधिक। चलिए अगला सवाल, अब ठीक वैसे ही ये भी आपसे पूछ लेता है कि मंद बुद्धि बालक का अर्थ क्या होता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब जैसे आपने प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों को देखा कि वो औसत से ऊपर होते हैं, ये क्या होंगे, मानसिक रूप से थोड़े से नीचे होंगे, कमज़ोर होंगे, इनको विशेष सुविधा की ज़रूरत है। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनमें जिनकी मानसिक बुद्धि कम विकसित है कि उनको मानसिक क्षमताएँ कम विकसित होती हैं, ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या मानसिक रूप से विकलांग बालक, इन सभी नामों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है, बट हाँ ये नेचुरल है, हमें इसको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, अपने साथ लेके चलना। तो कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं, ठीक है, औसत रूप से धीरे सीखते हैं, तो ऐसे बच्चों को इन श्रेणी में रखा जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, परिभाषा की बात करें तो क्रो ने कहा था कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इस पॉइंट को हमें याद रख लेना है, सीटेट में भी पूछता है मंद बुद्धि बालक। ये पोलॉक ने कहा था कि मंद बुद्धि बालक को अब छिड़ बुद्धि बालक के समूह में नहीं रखा जाता है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब हम स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व उतने ही विभिन्न पहलू होते जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अब हम ये मानने लगे हैं कि जो मंदबुद्धि बालक है उनके भी व्यक्तित्व उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि एक सामान्य बालकों के। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा जाता है जैसे कि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब ये तो नेचुरल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको और पढ़ा के बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखने का मतलब है। चलिए इसी तरह से कुछ और पॉइंट देखेंगे, फिर ये वीडियो समाप्त होगी। अगर मंद बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा है मंद बुद्धिता के कारण, मतलब ऐसे बच्चे क्यों मंद बुद्धि में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है, आपके हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं,
छूत की बीमारी तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारी लग गई बच्चे की कि मेंटली वो ठीक से काम नहीं कर रहा है पैदा होने के बाद, तो ये भी हम एक रीजन मान सकते हैं। ठीक है, ग्रंथियों का असंतुलन होना, मान लीजिए उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, हमेशा टेंशन में रहता है, तो ये भी चीज़ें क्या हो सकती है, कारण हो सकती है। शारीरिक आघात, फिजिकल इंजर्ड हो जाना, चोट लग गई सर पे, नस दब गया, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। नशीले पदार्थों का सेवन, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ करने से बच्चे सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो गई, वो ठीक से सोच नहीं पा रहा, तो ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है। माता पिता की आयु, माता पिता की आयु बहुत कम उम्र में अगर बच्चों की शादी हो जाए और उनसे बच्चे हो जाए तो फिर ऐसे बच्चों के दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ता है, या फिर बहुत अधिक उम्र में बच्चों माँ बाप की शादी हो रही है और उनसे बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे में भी क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो माता पिता की आयु भी एक कारण बन जाती है मंदबुद्धिता की। चलिए नेक्स्ट, अगर देखिए पारिवारिक वातावरण की, घर में कलह चल रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, ये वो सास ननद देवर जेठानी ये सब चलता रहता है, तो इसके लिए बच्चे क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इस वही खुशनुमा माहौल हो, अच्छा माहौल हो, सब परिवार एक साथ रहते हो, हंसी खुशी के सब सपोर्टिव हो, तो उसका ग्रोथ और ज़्यादा होता है, राइट। तो ये मंदबुद्धिता के कारण हो सकते हैं, एक आपका पारिवारिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण सिमिलरली, कि किस रूप में, किस वातावरण में रह के बच्चा पढ़ाई करे। प्री मेच्योर बर्थ, अपरिपक्व जन्म, कई बार बच्चों प्री मेच्योर जन्म ले लेते हैं, लाइक 9 महीने से पहले उनकी पैदाइश हो जाती है, ये भी बहुत हद तक क्या होता है, डिपेंड करता है उनके इस चीज़ पे। लास्ट पॉइंट है माँ के संक्रामक रोग, मम्मी को ऐसा कुछ बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे को भी इफेक्ट हो जाता है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट विच आर द रीजन टू बी अ मंदबुद्धि बालक, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना जो आप जानते हैं, आपने समाज में देखा है, आपने ऐसे बच्चों को देखा है, आप इससे क्या करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। सो दिस इज गोना बी द लास्ट पॉइंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, मंद अधिगामी, अधिगामी का मतलब सीखना, ठीक है, लर्निंग, वो बच्चे जो धीरे सीखते हैं, मंद अधिगामी होते हैं जो धीरे सीखते हैं। चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। किसी कक्षा में कुछ बुद्धिमान प्रतिभावान छात्र होते हैं, उसी प्रकार छात्र कुछ ऐसे होते हैं जो मंद अधिगम करता होते हैं, जिन्हें औसत तथा मानसिक रूप से मंद बुद्धि माना जा सकता है। अधिकांश विद्यालय व्यवस्था में मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक का विशेष विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, लेकिन मंद अधिगम करता बालकों को सामान्य या नियमित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे जो बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाते उनके लिए तो अलग जैसे स्कूल हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे धीरे सीखते हैं वो साथ में ही रह के पढ़ते हैं। मंद अधिगामी का मतलब जो धीरे सीखते हैं। यदि बच्चे औसत बच्चों से पर्याप्त भिन्न होते हैं, ये बच्चे औसत बच्चों से क्या पर्याप्त भिन्न होते हैं, तो हम उनको साथ ही रख के सिखाते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप टीचर बनने जा रहे हैं इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि आपके क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलेंगे। आप केवल एक बच्चों को लेके नहीं चल सकते, आपको सबको क्या करना है, साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका अभ्यास, नया जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब जो धीरे सीखते हैं उनकी क्या विशेषताएं, ये अमूर्त चिंतन में असमर्थ होते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताइए जिनको उन्होंने देखा नहीं। आप उनसे कह दीजिए मान लीजिए 1 = b, b, तो वो समझ लें, लेकिन जब मूर्त चिंतन आप दिखाएंगे कि यह पेन है, इस पेन से ये बड़ा है और इससे बड़ा ये है, तो कौन सा, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन वही कहेंगे मान लीजिए a > b, b > c, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो अमूर्त चिंतन में उन्हें क्या होती है, समस्याएं होती है अमूर्त चिंतन में, जो उनको दिखाई नहीं देता। ये कार्य के लिए निर्देश वो समझने उनको आयोग के अयोग्य होते हैं। कार्य ये का ये वे कार्य के लिए निर्देश हो, जैसे आप उन्हें केवल निर्देश दे दीजिए कि ये जाओ ऐसे करो, तो उन्हें थोड़ी सी असमर्थता होती है। आप उनको साथ रह के करके सिखाएं, ठीक है। सामान्य ज्ञान की अनुपस्थिति तथा समूह की तर्क स्तर की कमी, बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली वो बात नहीं कर पाते हैं। जटिल खेल नियमों में समझने के योग, जहाँ भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टी आती हो तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, मतलब उनके वो इतना समझ नहीं पाते। सभी प्रकार के छात्रों में धीमा, जैसे शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के कार्यों में वो धीमे रहते हैं। कौन बच्चे, जो धीरे सीखते हैं, मंद अधिगामी होते हैं, मंद अधिगम करता होते हैं, समझ आ रही बात। स्वतंत्र रूप से काम करने में अक्षम, उनको अकेले छोड़ दिया जाए कि जाओ ये काम करो, तो थोड़े से अक्षम होते हैं। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपके क्लासरूम में ऐसा बच्चा मिलेगा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको कमज़ोर मानेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा। उसकी रुचि तथा ध्यान का विस्तार सीमित होता है, बहुत थोड़ा ही सोच पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता है, उसका क्या होता है, सीमित होता है। विद्यालय में सामान्य स्तर उपलब्धि के पीछे होता है, जो एवरेज हमारा आईक्यू लेवल होता है उससे वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है, समझ में आ गए, लिख लेंगे आप, बहुत अच्छा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसी से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। मैंने क्या कह रहा है, एक वीडियो में जितनी भी यूनिट आपकी थी सबको समराइज कर दिया। इसी तरीके से सवाल पूछेंगे, इसी तरीके से आपको बना के लिखना है, और मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने यूनिट वन ऑलरेडी देख रखा है लखनऊ के समावेशी शिक्षा में, लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड के समावेशी शिक्षा में। हमने क्या किया दोस्तों, हमने ऑलरेडी यूनिट वन देख रखा है और इस वीडियो में हमने यूनिट थ्री भी दे दिया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपने यूनिट वन नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी अगले वीडियो में यूनिट टू और यूनिट फोर को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप से। अगर आप वहाँ पे मांगेंगे तो हम आपको पूरा पीडीएफ आपको भेज देंगे, इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे, एक यूनिट आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।